ब्रह्मशिरा अस्त्र माइथोलॉजिकल टाइम का एक ऐसा वेपन जिसकी पावर और एनर्जी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि वो पल भर में भारी तबाही ला सकता था। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। परमपिता ब्रह्मा ने ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना पावरफुल बनाया था, जो कि इंसानों और राक्षसों के साथ साथ देवताओं को भी खत्म करने की पावर रखता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र के सिरे पर खुद भगवान ब्रह्मा विराजित होते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र पर बनी नोक भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा के 1 सिर को रिप्रेजेंट करता था। इस वजह से ये अस्त्र 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र के इस्तेमाल से ब्रह्मास्त्र की पावर को भी खत्म किया जा सकता था। भगवान ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है, तो उनका बनाया हुआ ब्रह्मशिरा अस्त्र उनके हर क्रिएशन को खत्म करने की पावर रखता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र को अगर पूरी पावर के साथ जोड़ा जाए तो ये एक ऐसा हथियार था जो पूरी दुनिया पल भर में खत्म कर सकता था। अगर इसे दुनिया का पहला हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा खतरनाक अस्त्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र का नाम सुनते ही राक्षस तो क्या देवता भी कांपने लगते थे। इसकी एनर्जी आज के हाइड्रोजन बॉम्ब और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब से भी कहीं ज्यादा थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मशिरा अस्त्र कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अस्त्र रहा होगा। अगर एक बार ब्रह्मशिरा अस्त्र को छोड़ दिया गया तो इसे रोकना नामुमकिन था। जिस मकसद से इसे छोड़ा जाता था, ये उस मकसद को पूरा करने के बाद ही वापस आता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र को 4 तरह से चलाया जाता था। पहला डिटर्मिनेशन यानी कि संकल्प लेकर, दूसरा आंखों से, तीसरा बोलकर और चौथा धनुष के जरिए इसे चलाया जाता था। इसे केवल वो ही वापस बुला सकता था जिसने ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ा हो, लेकिन किसी और के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। अगर 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र आपस में टकरा जाए तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत कम ही लोग थे जिनके पास ये दिव्यास्त्र था। ग्रेट इंडियन स्क्रिप्चर महाभारत में भी ब्रह्मशिरा अस्त्र के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। महाभारत में पावरफुल और डेंजरस ब्रह्मशिरा अस्त्र को बुलाने का ज्ञान केवल भगवान परशुराम, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास ही था। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र को बुलाने का ज्ञान सिर्फ अपने सबसे खास शिष्य यानी कि अर्जुन और अपने बेटे अश्वत्थामा को दिया था। कर्ण को भगवान परशुराम ने ब्रह्मशिरा अस्त्र दिया था। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के अलावा भगवान ब्रह्मा का एक और अस्त्र था। कहा जाता है कि वो इन दोनों से ज्यादा पावरफुल था। वो था ब्रह्मादंड। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि ये एक बार में यूनिवर्स की 14 गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ब्रह्मादंड इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कई बड़े से बड़े अस्त्रों की पावर को भी खत्म कर देता था। यहां तक कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा जैसे बड़े दिव्यास्त्रों को भी ब्रह्मादंड के जरिए रोका जा सकता था। आज से 5500 साल पहले ऐसा मौका महाभारत के युद्ध के दौरान आया था, जब एक नहीं बल्कि 2-2 ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र का इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि जब 18 दिनों बाद महाभारत की लड़ाई खत्म होने जा रही थी और पूरा कौरव वंश खत्म हो गया था, तब गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र चला दिया था। यह दिव्यास्त्र मंत्रों के प्रभाव से चलता था और मंत्रों के जरिए ही इसे बुलाया जा सकता था। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और उन्होंने दुर्योधन को प्रॉमिस किया था कि वो पूरे पांडवों के वंश को खत्म कर देंगे। जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और पांडव जीत चुके हैं, तो उन्होंने घास के तिनकों को उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से कुछ ही देर में घास का तिनका ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र में बदल गया, जिसे अश्वत्थामा ने पांडवों की तरफ चला दिया। उधर दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुर्धर अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र चला दिया था। ये दोनों ही नहीं जानते थे कि 2 ब्रह्मशिरा अस्त्र के टकराने से क्या नुकसान हो सकता था। 2 ब्रह्मशिरा अस्त्रों को चलते देखकर चारों तरफ हड़कंप मच गया। ऋषियों और मुनियों में इस बात को लेकर चिंता होने लगी कि अब इन दोनों दिव्यास्त्रों के टकराने का अंजाम क्या होगा। तब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वो दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए और अपनी स्पिरिचुअल पावर से दोनों दिव्यास्त्रों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो अपना ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र वापस बुला ले।
तब वेदव्यास जी के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र चलाना आता था, वो इसे वापस बुलाना नहीं जानते थे। अश्वत्थामा ने कहा कि वो ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, लेकिन बुला नहीं सकते। तब वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा कि वो ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र को ऐसी जगह पर छोड़ दे जहां पहले से ही जमीन बंजर हो, जहां इंसान, जानवर और पेड़ पौधे ना हों। लेकिन अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहे थे। वो किसी भी तरह से पांडवों के वंश को खत्म करना चाहते थे। तब उन्होंने अपने ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र को पांडवों की बहू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। ब्रह्मशिरा अस्त्र के जरिए अश्वत्थामा केवल पांडवों के वंश को खत्म करना चाहते थे, उत्तरा को नहीं मारना चाहते थे। उस समय उत्तरा मां बनने वाली थी, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मशिरा अस्त्र द्वारका के करीब जा रहा है, तो पांचों पांडवों ने अश्वत्थामा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब भगवान कृष्ण भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की शील्ड बनाकर ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र के इंपैक्ट को रोका था, क्योंकि उस टाइम इस पूरी दुनिया में भगवान शिव का त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही इस ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र के रोकने की पावर रखते थे। साथ ही भगवान कृष्ण ने अपने लाइफ का सारा पुण्य परीक्षित को बचाने में लगा दिया था। ये आखिरी बार था जब ब्रह्मशिरा दिव्यास्त्र का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने इस दिव्य अस्त्र को वापस बुला लिया था। अश्वत्थामा की इस हरकत से भगवान कृष्ण बहुत नाराज थे। उन्होंने गुस्से में अश्वत्थामा को इटर्निटी यानी अनंत काल तक पूरे यूनिवर्स में भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं और उसे मुक्ति नहीं मिली है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मशिरा अस्त्र को रोकने के लिए जिस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था, वो भी बहुत बड़ा अस्त्र माना जाता था। इस सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण ने न जाने कितने असुरों और राक्षसों को मारा था। सुदर्शन चक्र में अनलिमिटेड पावर्स थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कैसे आया और क्यों इसमें इतनी पावर थी? इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को अपने अगले एपिसोड में।